मित्र संजोग देखिए, विश्व के तमाम नेतृत्व अभी G20 की अध्यक्षता के कारण भारत आ रहे हैं। शिक्षा विभाग की भी चर्चा हुई, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, फ्यूचर स्किल्स, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के ऊपर भारत की एजेंडा और विशेष करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दृष्टि में जो कहा गया है, उस सारे विषय पे आज विश्व की नेतृत्व भारत के मानक को मानने के लिए तैयार है। इसी समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेवारी को सिर्फ भारत के अंदर नहीं रखा है, विश्व की इमर्जिंग इकोनॉमी को इकट्ठा करके उनको उन्होंने बुलाया। उन्होंने कहा कि आप शायद G20 के सदस्य देश नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैं आपकी जिम्मेवारी लेना चाहता हूं। विश्व की गरीब देशों की नुमाइंदगी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनकी जो आकांक्षा अपेक्षा विश्व की पटल पर प्रतिफलित हो, इसकी बारे में आज प्रधानमंत्री जी ने एक नई ऊंचाई खड़ा किया है। विश्व की सामान्य लोग, ऐसे ही नहीं कहा जाता है विश्व की सबसे लोकप्रिय नेता, विश्व की जिम्मेवारी लेना भी उतना ही महत्व है। आज प्रधानमंत्री जी ने ग्लोबल साउथ कॉन्क्लेव बुला के उसकी जिम्मेवारी लिया। मित्रों, आज आवश्यकता है इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत वैश्विक नागरिक बनाने के लिए। इस कोरोना ने दुनिया को परिचित कराया भारत की जिम्मेवारी क्या होता है। वो दिन याद करिए, एक समय था भारत की आवश्यक चीजों के लिए, खाद्यान्नों के लिए भी बाहर से आयात करना पड़ता था, इंपोर्ट करना पड़ता था। आज वो शुभ क्षण आ चुका है जब भारत अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। उसी समय में कोरोना ने सिद्ध किया, प्रधानमंत्री जी ने सफल नेतृत्व कारण देश को तो संभाला, आज विश्व की 140 देशों में भारत से उत्पादित मेडिसिन पहुंची है। ये भारत की नई परिचय हो रहा है। मित्रों, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, संसद की नई भवन बन गई है। केवल भारत पुरानी डेमोक्रेसी नहीं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, लेटर एंड स्पिरिट में सबसे विशाल काय फंक्शनल डेमोक्रेसी है। उस डेमोक्रेसी के अंदर जब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, हम लोगों की जिम्मेवारी मित्रों और बढ़ता है, और विशेष करके दिल्ली विश्वविद्यालय की जिम्मेवारी और बढ़ता है। प्रधानमंत्री जी एक छोटी शब्द बार बार हम सबके सामने कहते हैं, देश के सामने कहते हैं, यही समय सही समय, आज की मोमेंट इंडियास मोमेंट। इस मोमेंट को हम लोग जिए, जिम्मेवारी निभाएं। प्रधानमंत्री दूसरी सी छोटी बात कहते हैं, मित्रों ये देश लंबे समय तक अधिकार की बात कही है, राइट्स की बात कही है। मित्रों, किसी की राइट्स, किसी के अधिकार सुरक्षित होती है, 10 लोगों की अधिकार सुरक्षित होती है, कोई एक व्यक्ति जिम्मेवारी लेता है तो। अमृत काल में दिल्ली विश्वविद्यालय देश की जिम्मेवारी ले, इसी अपेक्षा के साथ मैं प्रधानमंत्री जी को स्वागत करता हूं। धन्यवाद।